The question is, a laminate string of 0.8 mm length has plates of 5 mm width and 10 mm thickness. If the maximum permissible bending stress is limited to 120 Newton per mm square, how many number of plates are required for 3 kN central load? Also calculate the deflection in the spring. Take E equals to 2.1 into 10 to the 5 Newton per mm square. Okay, so question mein, हमारे पास एक लैमिनेट स्प्रिंग है जिसकी लेंथ 0.8 मीटर है. ओके ओके, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 0.8 मीटर्स. ठीक है, तो वी आर हैविंग लेंथ एल इक्वल्स टू 0.8 मीटर्स एज लेंथ. ठीक है, देन द विड्थ ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द प्लेट बी इज 5 mm एंड थिकनेस टी इज 10 mm. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, की बेंडिंग स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो हमें इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लेट्स. ठीक है, तो हमारे पास लोड भी गिवन है, लोड इज 3 किलो न्यूटन्स. ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस कब आएगी, जब लोड लगेगा. तो लोड कितना इस पर लग रहा है, 3 किलो न्यूटन्स. ठीक है, तो अच्छा अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस का रिलेशन देखें तो सिग्मा बी इज 3WL अपॉन 2N BT स्क्वायर. ओके, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिग्मा बी की वैल्यू है, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ W. ठीक है, लेंथ हमारे पास है. ठीक है, देन हमारे पास B की वैल्यू भी है एंड T वी आर ऑल्सो हैविंग. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला से N फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो सबसे पहले हम डिमेंशंस को चेक करते हैं. ठीक है, हमारे पास लेंथ मीटर्स में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, हम इसे mm में कन्वर्ट करेंगे. mm में कन्वर्ट करके ये आपके पास 800 आ जाएगा. ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1000. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये 3 किलो न्यूटन्स है तो 3 किलो न्यूटन्स भी आ जाएगा, 3 × 10⁻³ न्यूटन्स. ठीक है, तो इसे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो इससे हमारे पास लोड एंड बेंडिंग स्ट्रेस, हमें बेसिकली करना क्या होता है कि देखो बेंडिंग स्ट्रेस में न्यूटन में है ये, बेंडिंग स्ट्रेस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास लोड भी न्यूटन में होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद इन डिमेंशन को देखो, अगर यहाँ पे एमएम स्क्वायर है तो ये भी एमएम है, ये भी एमएम है, तो जो लीनियर डिमेंशन है लेंथ ब्रेथ थिकनेस वो सारी एमएम में होनी चाहिए. तो अगर ये चीज़ है तो हमें ऐसा ही सिस्टम जैसे अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये एक तरह से थंब रूल है. ठीक है, आप इससे भी डायमेंशनल एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो. ठीक है, तो देखो सिग्मा बी की वैल्यू पुट करते हैं अभी. ठीक है, इट इज 120 इक्वल्स टू 3 × W. W is 3 × 10³. ओके, दिस इज W. ओके, देन लेंथ इज 800 अपॉन 2 × N × B. बी इज 5 एंड थिकनेस इज 10 इसका स्क्वायर. ओके, तो टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं. हमारे पास N आ जाएगा 3 × 10³ × 800 डिवाइड बाय 2 × 120. ठीक है, × 5 × 10⁻². ठीक है, तो फॉर कैलकुलेशन लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 × 10⁻³ × 800 / 2 / 120 / 5 / 10⁻² ओके, तो कैलकुलेशन करके हमारे पास ये 60 आ गया, एग्जैक्ट आंसर 60. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स 60 आ गया. ऑलराइट, अच्छा उसके बाद हमें इसमें फाइंड करना था डिफ्लेक्शन. ठीक है, हमें डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, और हमें E की वैल्यू गिवन है. ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स 60 आ गया है, इसका हाफ पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया. उसके बाद हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं. डिफ्लेक्शन हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा बी इंटू एल अपॉन 4 सिग्मा बी एल स्क्वायर अपॉन 4 ET. ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस. ओके, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. बेंडिंग स्ट्रेस हमारे पास 120 है, लेंथ इज 800 इसका स्क्वायर अपॉन 4, E इज 2.1 × 10⁵ × T. टी इज 10. ओके, तो इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस इज 120 इंटू 800 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2.1 डिवाइड बाई
10^5 डिवाइड बाई 10। ओके, तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 9.14 mm। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने जस्ट दो ही फॉर्मूलाज यूज किए हैं। सबसे पहले हमने बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज किया है, देन हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज किया है इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इन टोटल लीफ स्प्रिंग के अगर आप तीन रिलेशन याद रखते हो, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन इज सिग्मा बी इक्वल्स टू 3WL/2NBT2, ये बेंडिंग स्ट्रेस का रिलेशन है। नेक्स्ट आप डिफ्लेक्शन का एक रिलेशन याद रखते हो, डिफ्लेक्शन इज सिग्मा बी एल स्क्वायर 4ET। ओके, ये डिफ्लेक्शन का रिलेशन आ गया। और एट लास्ट आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिफ्लेक्शन का एक रिलेशन होता है, उसे आप याद रख सकते हो, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में यूज किया था। ठीक है, तो इन तीन रिलेशन से यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक डिफ्लेक्शन का रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ लोड, तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप सिग्मा वी को ये पुट कर दो तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लोड। तो ठीक है, इतने रिलेशन आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।